नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। 14 करोड़ लूट मामले में स्वर्ण व्यवसायी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता देते कि लगातार प्रशासन और बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा के मांग के लेकर कई सवाल खड़ा करें। आपको बता दें कि मामला बीते शुक्रवार की है, जहां यही वो ऐसे ज्वेलर्स है जहां डकैतों ने करीब 14 किलो सोना सहित करीब 14 से 15 लाख कैश लेकर फरार हो गए थे, जिसमें एक स्थानीय लोगों के द्वारा एक अपराधी को पकड़ लिया गया था, जिसके बाद थाना के हवाले कर दिया गया था। और यही वजह है कि लगातार उनकी मांगे हैं कि स्वर्ण व्यवसायी को सुरक्षा को कैसे इंतजाम किया जाए, कौन से सुरक्षा दिया जाए। और आपको बता दें कि कल ही स्वर्ण व्यवसायियों के लेकर डीएम और एसएसपी के साथ बैठक हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ लगातार पेट्रोलिंग के साथ एक चेकपोस्ट भी बनाया जाएगा, जिसे स्वर्ण व्यवसायी और महीने में एक बार इन लोग के द्वारा मीटिंग किया जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो कई ऐसे पॉलिटिशियन भी है जो लगातार स्वर्ण व्यवसायी के पक्ष में आ रहे हैं और लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार से मांगे कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात किया जाए तो जो कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा कहा जाता है पप्पू यादव को, ऐसे में पप्पू यादव यहाँ पहुँचे हैं और अंदर स्वर्ण व्यवसाय से बात कर रहे हैं। और इसके बाद देखना होगा कि क्या इसके बाद बात निकलकर सामने आती है। खाना मिलल रहता है तो तू काहे लंपी बना चोर, सरकार से समर्थन वापस ले लो या रिजाइन कर दो। राजीव नगर में मार दिया, कुछ किए? इसके पहले 3 बार मारा, कुछ किए? आप लोग बचिएगा। डीएमएसपी कह दिया था, आप लोग उसी को प्रमुख मान लिए। नहीं, यही दुनिया का सच। उन लोगों को भी पता है आप लोग ऐसे ही करते हैं, पर आप उन लोगों को लगता है कि जयहन कहा, ये लोग भी माल में घेराफेरी करता होगा, हम उधर लेंगे। तो आप लोग कहे का डरते हैं व्यापारी भाई जो जीवन चलाते हैं हम लोग का। आप लोग भी ना डीएमएसपी के भत्ता बन जाइए, एक नंबर आप चमचा है सब लोग। वो बोले कि बस हमको भरोसा, इसीलिए आप लोग का ये हाल। कभी बीजेपी का नेता आएगा उसी हो जाइएगा, कभी डीएमएसपी। अरे बाप, राजीव नगर में मारा गोली क्या हुआ? उसके पहले मारा क्या हुआ? ये अलाउद्दीन के चिराग हैं लोग। हमारे साथ गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, लड़ाई लड़ना पड़ेगा व्यवसायियों को, पूरे बिहार में सरकार को गंभीरता से लेनी होगी। इसके जान माल की सुरक्षा, इसकी सुरक्षा, हर चीजों के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। अब आप व्यवसायियों से पैसे भी लेते हैं, वोट भी लेते हैं, उसकी सुरक्षा भी नहीं हो पाती है, उसके बच्चे दहशत में रहते हैं। रामगढ़वा में हुआ, नालंदा में हुआ, बेगूसराय में हुआ, राजीव नगर में हुआ, इसके पहले पटना में, हर दिन व्यवसायियों को धमकी दो, टॉर्चर लो, पैसा लो। बहुत लोग तो डर से नहीं बोलते हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, बेचारे क्या करेंगे, ये बीच का रास्ता ले लेते हैं, इनके भी बच्चे हैं। जब आप माफियाओं को सबको टिकट दोगे, अपराधी को टिकट दोगे, एमएलसी का, एमएलए का, बालू माफियाओं को, तो फिर सुरक्षित किसके हाथ होगी? मंत्री संतरी डिप्टी सीएम का भाई बेटा सब गोली चलाएगा और एमपी एमएलए बोलेगा हम क्या करें, और उसी के फॉर्चूनर पर चलोगे, साथ में वही अपराधी लोग चले गए तो व्यवसायी बचेगा? सर, क्या लगता है फिर वही दंगा आ जाएगा? एसएसपी ने कहा है कि शाम तक पीसी कर जानकारी दी जाएगी, क्या लगता है भैया? अच्छी बात है भैया, तो एसएसपी तय कर दे कि आज के बाद फिर कोई व्यवसायियों पर कभी हमला नहीं होगा, कोई किडनैपिंग नहीं होगी, कोई लूटे नहीं जाएंगे बिहार में, ये अंतिम है। सिर्फ